हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स कैसे बालों को प्रभावित करते हैं और बाल झड़ने का कारण बनते हैं। न्यूट्रिशनल हेयर लॉस, न्यूट्रिशनल हेयर लॉस ये एक मुख्य कारण बनता जा रहा है बाल झड़ने के लिए। ये वीडियो बनाने का हमारा ये कारण है कि बहुत से लोग इसे बिलीव नहीं करते, इसे मानते नहीं हैं और इसे निग्लेक्ट करते हैं। बहुत सी बार मैंने देखा है, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं, बट इसे प्रॉपर फॉलो नहीं करते और इस कारण भी हेयर फॉल होते रहता है। तो हम इसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले, क्या है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमें बालों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट है वो है बायोटिन। बायोटिन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो विस्तार में बनाया हुआ है, आप देखना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बायोटिन आपके बालों को मजबूत बनाने में, थिक बनाने में मदद करता है, तो बायोटिन आपके बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जिंक। जिंक आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। जो भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं उनको ये मदद का हाथ देता है। सो जिंक बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर जिंक बॉडी के लेवल्स में कम हो जाता है तब आपको हेयर लॉस, हेयर थिनिंग दिखना शुरू होता है। अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन B6। ये आपके बॉडी में एक्टिवेट करता है प्रोटीन फॉर्मेशन। अगला न्यूट्रिएंट है कॉपर। ये एक ट्रेस मिनरल है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसका स्पेसिफिक एक्शन ये है कि ये प्रिवेंट करता है हेयर स्प्लिटिंग होने से जो आपके एंड्स में होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट आता है वो है सिलिका। ये ब्रिटल हेयर्स को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। और एक न्यूट्रिएंट है कोलेजन। कोलेजन भी आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे न्यूट्रिएंट जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है, तो इनको आपके डेली रूटीन डाइट में रखना है। हमें हमेशा फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक में एक लिस्ट देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, इसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। हम कुछ ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं जिनसे हमें हेल्प होता है आपके बॉडी में कौन सी लेवल कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से हम आपको दवाइयाँ दे सके, कैसे डोसेज दे, ये सारों की हम हेल्प करते हैं। इस वीडियो को लेके कोई आपको डाउट्स हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।